Welcome to FU Book 2, lesson number 55, about the safety. I am Manju और you are watching Easy Free Education. चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपने मुझे लगता है नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन. पॉइंट ए में पॉइंट वन, व्हाट इज सेफ्टी. सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्या है. आपको इमेजिन दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ पे एक वर्क चल रहा है. यहाँ पे कुछ लिखा है, इफ ग्लव्स एंड गॉगल्स मेक यू लुक लाइक अ डॉग सो हाउ डू यू फील अबाउट ब्लिस्टर एंड आई पैचेस. तो बेसिकली अगर आप गॉगल्स एंड ग्लव्स नहीं पहनोगे आपको कुछ फनी लगता है कि यह पहनूंगा इस टू फनी. तो दोस्तों सोचिए, आप ब्लिस्टर यानी छाले, आंखों में कुछ लग जाना, तो आप कैसा महसूस करोगे. इसलिए सेफ्टी पहनना ज़रूरी है. बेसिकली इस पिक में यही दिया गया है. लेसन जब मैम सिखाएंगी आप तो आप समझ जाओगे. तो बेसिकली आपको यहाँ पे सेफ्टी पैनल के बारे में लिखना है, कुछ सेफ्टी के बारे में. मैंने क्या लिखा था मैं आपको बोल के बताती हूँ. इफ़ आई स्टार्ट सम वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन इट्स बिकम आ अनसेफ फॉर मी, बट इफ़ आई स्टार्ट द वर्क विद आ इंस्ट्रक्शन इट्स बिकम आ सेफ फॉर मी. ओके, मैंने ऐसे लिखा था दोस्तों. चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. पॉइंट टू में एक्सरसाइज में दोस्तों आइडेंटिटी फाइव, सेफ और अनसेफ. मार्क टिक फॉर सेफ, एक्स फॉर अनसेफ. डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाई द एक्शन इज सेफ एंड अनसेफ. सो दोस्तों आपको पिक दिख रही है, पिक में सेफ कौन सा है, अनसेफ कौन सा है. सेफ है तो टिक कीजिएगा, अनसेफ है तो क्रॉस कीजिएगा. ऑलराइट, सेफ अनसेफ, अनसेफ 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 सेफ अनसेफ अनसेफ आई एम क्रॉसिंग सेफ सेफ अनसेफ अनसेफ. ओके दोस्तों आपको आई होप समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स. पॉइंट टू में एक्सरसाइज में दोस्तों आइडेंटिटी फाइव, सेफ और अनसेफ. मार्क टिक फॉर सेफ, एक्स फॉर अनसेफ. डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाई द एक्शन इज सेफ एंड अनसेफ. सो दोस्तों आपको पिक दिख रही है, पिक में सेफ कौन सा है, अनसेफ कौन सा है. सेफ है तो टिक कीजिएगा, अनसेफ है तो क्रॉस कीजिएगा. ऑलराइट, सेफ अनसेफ 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 सेफ अनसेफ अनसेफ आई एम क्रॉसिंग सेफ सेफ अनसेफ अनसेफ. ओके दोस्तों आपको आई होप समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स. ओके, पॉइंट बी में दोस्तों रीड द आर्टिकल विद अ पार्टनर एंड आंसर द क्वेश्चन. आर्टिकल वन. ऑलराइट, आपको इसका आंसर देना है फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों इस आर्टिकल का. बेसिकली ये आर्टिकल सेफ्टी पैनल के बारे में है तो आपको अपने तरीके से यहाँ राइट डाउन करना होगा दोस्तों. मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वन में क्या लिखा था मैं आपको राइट बोल के बताती हूँ. आई वुड, इधर आई वुड लाइक शूज टू वेयर माई
सीट बेल्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव विथ माई फैमिली। मैंने इस तरीके से लिखा था दोस्तों, आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा पहले आर्टिकल को रीड करके। चलिए सेकेंड पर आ जाते हैं दोस्तों। माई साइड द मोर अनकूल थिंग्स आर थ्रोन अक्रॉस द रोड इन देयर रिपेड क्लोथ्स एंड अ ब्लड फेस। मैंने ऐसे लिखा था। राइट, आवाज आती है दोस्तों। सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट्स आर अनकूल एंड क्रैम्प देयर स्टाइल। सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट्स आर अनकूल एंड क्रैम्प देयर स्टाइल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे। आर्टिकल टू में भी आपको ऐसे ही आंसर देना है दोस्तों, अपने तरीके से। ऑलराइट, जैसे मैंने आर्टिकल वन में बोला वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर देना है पैराग्राफ, सॉरी आर्टिकल रीड करके। ऑलराइट, अब आ जाते हैं पॉइंट सी में दोस्तों। पॉइंट सी में टाइपिंग वर्सेस कीबोर्डिंग, तो टाइपिंग एंड कीबोर्डिंग में सिमिलैरिटीज क्या है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है दोस्तों। दोस्तों मैंने क्या लिखा था मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ओके, वी टाइप द वर्ड्स, सिमिलैरिटीज सेम, वी टाइप वर्ड्स, यस। सम कीज आर सेम, सम कीज आर सेम्स, तो ये सिमिलैरिटीज है दोस्तों इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट डिफरेंस बिटवीन टाइपिंग एंड कीबोर्डिंग। सो देर आर इन टाइपिंग देर आर अ फ्यू कीज, बट इन कीबोर्डिंग आर लॉट्स ऑफ कीज वी हैव। ऑलराइट, एंड सेकंड, टाइपिंग इज अ सॉफ्टवेयर बट कीबोर्डिंग इज अ हार्डवेयर। सो दीज आर थिंग डिफरेंस बिटवीन कीबोर्डिंग एंड टाइपिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर आ जाता है दोस्तों। ऑलराइट, विच जॉब रिक्वायर एक्सलेंट कीबोर्डिंग स्किल। ऑलराइट, सो बेसिकली दोस्तों डाटा एंट्री, एमएस वर्ड, एमएस एसएक्स हो गया, इसमें टाइपिंग स्किल की बहुत ज़रूरत होती है, कीबोर्डिंग की भी ज़रूरत होती है। ऑलराइट, सो हर किसी को ये स्किल सीखनी चाहिए, मस्ट है ये आज की डेट में। अगर आप 12th पास हो, 10th पास हो तो कंप्यूटर तो यूज़ होता ही है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दीजिए और टाइपिंग एज वेल। और मैं टाइपिंग पे भी आगे वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम में। ऑलराइट, तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि मैंने टाइपिंग सीखी थी, उसकी हाउ टू टाइप, कैसे टाइप करना है उसके तरीके मुझे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर टू लर्न कीबोर्डिंग। ऑलराइट, सो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डेज वी हैव टू लर्न कीबोर्डिंग, कंप्यूटर्स, इंग्लिश। ऑलराइट, इट दीज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। पॉइंट सी, फिंगर्स ऑन कीज। बेसिकली दोस्तों टाइपिंग के कुछ मेथड होते हैं, आपको फिंगर्स दिख रही होंगी, हर फिंगर पे अलग अलग कलर है और जो कीबोर्ड है उसमें भी कलर है। तो बेसिकली फर्स्ट वन पे देखिए आपकी आ जाती है बेबी फिंगर। ऑलराइट, एंड पर्पल पर आ जाता है आपका रिंग फिंगर। ऑलराइट, एंड रेड पर आपका आ गया मिडल फिंगर। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। ऑलराइट, एंड ग्रीन पर आपका आ गया इंडेक्स फिंगर। ऑलराइट, सो देखो लेफ्ट में जो मैंने बताया
ऑरेंज पर आ गया आपके बेबी फिंगर जो जो कलर है, ओके। एंड पर्पल पर आपके आ गया रिंग फिंगर, एंड रेड पर आपका आ गया मिडल फिंगर, एंड ग्रीन पर आपके आ गया इंडेक्स फिंगर। ऑलराइट, थम के लिए आपका देखिए ब्लू लाइन ये वाली दी गई है। दोनों थम्स के लिए आपको ये ब्लू लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, इससे टाइपिंग होती है। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं ऐसे ही, देखिए रिंग फिंगर राइट साइड में देखिए येलो है, येलो तो बेबी फिंगर आ गई। ग्रे पर आ गया आपका रिंग फिंगर। ऑलराइट, डार्क ग्रीन पर आपका आ गया ये देखिए, ये आपका आ गया मिडल फिंगर, एंड पिंक पे आपका आ गया इंडेक्स फिंगर। तो दोस्तों ऐसे ही ये कीबोर्ड का थोड़ा मेथड है, और कीबोर्डिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि डाटा एंट्री में एक्सेल, कीबोर्डिंग एंड टाइपिंग मस्ट रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। मैंने इसके लिए बहुत सफ़र किया पहले, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। फर्स्ट इंग्लिश में मेन सबसे पहला स्पीकिंग राइटिंग, ये दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए इम्पोर्टेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको लिसनिंग पहले इंग्लिश लिसन करना है। सेकंड आपको वैकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैकेबलरी याद करनी है। ये मेथड आप प्लीज़ आप फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी में हो तो ये सब आपको सीखने को मिलता है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ FEA ज्वाइन करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। मैं हर वीडियो में हमेशा बोलती हूँ FEA इज़ अ गोल्डन चांस टू everyone टू लर्न इंग्लिश एंड मैनी मोर। वहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, आपकी स्किल्स को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑलराइट, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं चाहती हूँ न्यू वीडियो के लिए। बाय बाय।